हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। दैट इज़ द 15th चैप्टर्स। दैट इज़ वेरी इजी एंड दैट चैप्टर नेम इज़ प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी में क्या है हम यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन। सो द प्रोबेबिलिटी इज़ नंबर ऑफ, इट मीन्स दैट वाट एवर बी द ट्रायल इज़ ऑब्टेंड। सो वेन वी थ्रो द डाइस और थ्रो द कॉइन्स, सो वाट विल बी द आउटकम्स दैट वी हैव टू हाउ टू राइट डाउन। सो दैट इज़ द दैट इज देयर इन दिस चैप्टर। सो प्रोबेबिलिटी, तो इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर एक कॉइन्स है, इस कॉइन्स को इसके जो है फेस कितने होते? एक तो हेड होता है और एक टेल होता है ना? सो वेन द कॉइन इज थ्रो, देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज, सपोज हेड आ रहा है, सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज टू। इट मे बी ए हेड, इट मे बी ए टेल, सो टोटल आएगा टू। इट मे बी हेड आएगा या एक ही चांस एक ही आएगा, दो में से एक आएगा, सो वन वन डिवाइडेड बाय टू। अगर सपोज हम यहाँ पे हेड के ले ले रहे, सपोज फॉर द टेल इट मे बी ए वन बाय टू। सो दिस इज कॉल्ड द इवेंट्स। अगर वन डिवाइडेड बाय आ रहा है तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में भी देखते हैं, सपोज 50 मार्क्स का अगर एग्जाम है तो इससे कम में ही आता, इट मे बी इक्वल टू द 50 और लेस देन 50। सपोज अगर 50 में से सपोज 40 मार्क्स ले रहे, 40 डिवाइडेड बाय 50, तो सबसे मैक्सिमम जो आएगा 50 आएगा, बाकी जो आएगा इससे कम आएगा या इससे इक्वल आएगा। सो दिस होल वैल्यू इज लेस देन वन, है ना? अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, सपोज 50/50 आता तब क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू वन हो जाएगा। यस, सपोज 40/50 ले रहे मार्क्स, सो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नॉट टेकन द मार्क्स, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 50। द सेम वे सपोज 1/2 आया, नेक्स्ट इतना आता है 1/2, सो सम ऑफ दीज टू इज ऑल्सो इक्वल टू द वन, ऐसे आएगा। सो इसमें क्या आएगा? सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आउटकम्स ओके। सपोज डाइस है, एक डाइस में कितने फेज होते? 1 2 3 4 5 6 फेजेस होते। ओके, डाइस आता ना जो खेलते लूडो, सो डाइस में कितने फेज होते? 6 फेज होते, उस पे नंबर रहता या डॉट रहते, 6 फेज होते। व्हेन वी ड्रॉ सॉरी व्हेन वी थ्रो द डाइस, वॉट विल बी द फेवरेबल आउटकम? या तो वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, फाइव आएगा या सिक्स आएगा। सो फेवरेबल आउटकम्स क्या जाएगा? सपोज वन आ रहा है तो टोटल कितने हैं? 6 है, सो 1/6 वन के लिए। सपोज हमको टू चाहिए, टू भी एक ही है, 1/6, एंड थ्री चाहिए, 1/6, 1/6, फोर के लिए 1/6, दिस इज ऑल्सो ए 1/6। अब इसका सम करेंगे हम, टोटली क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6, सो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 / 6 इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया 1। ओके, सो इस प्रकार से आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल इन द डाइस फेवरेबल आउटकम्स इवन नंबर्स, सपोज अगर इवन नंबर आने के फेवरेबल आउटकम्स अगर हम देखेंगे तो कितना रहेगा चांस? 1 2 एंड 3, टोटल इज 6। सो फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स कितने हैं? इवन के लिए 1 2 3 है, सो 3/6। ओके, नहीं आने के चांसेस, इसके लिए यूज करते कॉम्प्लीमेंट्री, सो PE 12 आएगा, यानी इसका उल्टा। बाकी कितने बच रहे? 1 2 3, तो ये जो हो जाएगा ये भी 3/6 हो जाएगा। सो सम ऑफ दीज टू, PE
प्लस पी ई बार और कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वन, आने वाले चांसेस और नहीं आने वाले चांसेस दोनों का सम कितना हो जाता, दैट इज इक्वल टू वन। एक्चुअली 6/6 होता, रिड्यूस किए ना, तो रिड्यूस किए तो क्या हो जाएगा, वन आएगा। सो दिस पीई, पीई का वैल्यू क्या होता, इट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो और लेस देन आर इक्वल टू वन। Yes. अब हमको पता है, हम जो भी पॉसिबिलिटीज लिए, दिस होल्स वैल्यू इज बिकॉज द न्यूमरेटर इज लेस एंड द डिनोमिनेटर इज मोर, सो वट एवर रेड्यूसिंग दिस वन, सो वी गेट द जीरो पॉइंट समथिंग, ओके, वन बाय टू हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, इट मीन्स 0.5 मीन्स दैट इज ग्रेटर देन वन, ओके, या वन भी आएगा, जैसे हमने यहां पे बताया, वन भी आ सकता है, वन से कम भी आता है, जीरो से ज्यादा आएगा या जीरो के इक्वल भी आएगा, वन से ज्यादा नहीं आएगा और जीरो से कम भी नहीं आएगा। अब जीरो कब आएगा, फॉर एग्जाम्पल जीरो ऐसे होता है जब वो चांस ही नहीं है तब जो है जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल इन द डाइस देर आर सिक्स फेजेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देर आर सिक्स फेजेस। इफ इट इज आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 आउटकम्स, ओके, यहां तो 7 है ही नहीं, तो 7 आने के चांसेस क्या है अगर ऐसे बोल रहा है, तो 7 तो डाइस पे नहीं रहता, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट इवेंट्स व्हाट आस्किंग द इन द क्वेश्चंस, 7 आने के चांसेस क्या है, सो 7 तो इसमें होता ही नहीं, पर अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ रहा तो आता ही नहीं, इसलिए क्या आएगा, 0 / 6, इट मींस दैट इज द 0, ओके, एंड दिस इज द इम्पॉसिबल इवेंट, जो नहीं आता इम्पॉसिबल इवेंट, और जो आ रहा है ना उसको श्योर एंड सर्टन इवेंट, दिस इज द इम्पॉसिबल इवेंट, और जो आ रहा है चांसेस है तो इस ये क्या होता, श्योर एंड सर्टन इवेंट, इस प्रकार से आएगा। तो हमको ध्यान में क्या रखना है, एक तो ये ध्यान में रखना है, फिर ये एक ध्यान में रखना है, इसका सम जो है वन होता है, अगर आ रहा है जीरो, अगर आ रहा है दिस इज द इम्पॉसिबल इवेंट, बाकी दूसरा जो भी आ रहा है ये क्या हो जाएगा, श्योर एंड सर्टेन इवेंट। अब फर्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज से, नाउ द एक्सरसाइज 15.1। सो इन दिस वन 15.1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट मेन में सब क्वेश्चन है, फर्स्ट वन, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, एक तो पूछ रहा है ई और नॉट ई मींस ये वाला, सो प्रोबेबिलिटी है, इट मींस दिस वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, then probability of not, that is the complements, so sum of these two is how much, मैं भी बताया, so that is the one, जो भी संभावना है जो है होने के और नहीं होने के दोनों मिलाएंगे तो वन आएगा। the probability of an event that cannot happen, अभी बताया था, okay, impossible, जो इम्पॉसिबल वैल्यू होती है, जैसे मैंने डाइस पे 7 लेके बताया, अगर क्वेश्चन में 7 पूछ रहा है वहां पे तो फेस पे 7 है ही नहीं, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये कैसे आएगा, सो हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, दैट इज द 0, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्या है डैश, इम्पॉसिबल इवेंट, थर्ड वन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू बी हैपन, कुछ हो रहा है सर्टेन टू बी हैपन इज डैश, सो दैट इज वन, सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट,
शो रिमेंट एंड सर्टेन इवेंट। नाउ द फोर्थ वन, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। थोड़ा सा ध्यान से देखें क्या है ये। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, मैं अभी बताया था एलिमेंट्री इवेंट्स मीन्स, सो फॉर एग्जाम्पल हम अगर कॉइन के ऊपर देखेंगे या तो हेड रहेगा या फिर टेल रहेगा। सो हेड आने की टोटल कितना है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, ओके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, टू है। उसमें अगर हम हेड देखेंगे, दो में से कितना हेड के लिए, एक चांसेस है। सो दैट इज फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स कितना आएगा, वन डिवाइडेड बाई टू, वन डिवाइडेड बाई टू, ओके इसका भी वन बाई टू आएगा, इसका भी वन बाई टू आएगा। तो यहां पे क्या पूछ रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स किसको बोलते हैं, अब इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज है। एलिमेंट्री इसको बोलते हैं जिसका जो है न्यूमरेटर वन होना, ओके वन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब जब ऐसे आ रहे तो इनके सारों का सम कितना हो जाता, सारों का सम कितना होता, वन होता, वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू दैट इज इक्वल टू वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाय टू, टू वन जा टू वन जा कैंसल, सो फाइनल इज वन। इसी तरीके से डाइस में भी चेक कर सकते हैं, डाइस में कितने फेजेस होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स आने के चांसेस क्या है, वन डिवाइडेड बाई टू, सिक्स आने का एक ही चांस है आउट ऑफ सिक्स, वन डिवाइडेड बाई सिक्स, थ्री आने का चांस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, फोर आने का चांस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, लाइक दिस वे वन बाई सिक्स 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 होता। अब सारों का सम क्या होगा, सम हो जाएगा सिक्स बाई सिक्स, सिक्स सिक्स आंसर दैट इज द फाइनल आंसर इज वन। तो ये आएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट वन है फिफ्थ वन। फिफ्थ वन क्या है यहाँ पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन इवेंट, सॉरी इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इक्वल टू डैश, बट सो हियर दैट इज द, मैं भी बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, उल्टा पढ़े ना तो इसे ग्रेटर देन पढ़ना, उल्टा पढ़े हम ऐसे गए तो लेस देन जाता, एंड लेस देन अब ऐसे इधर जा रहे, लेस देन और इक्वल टू वन। यस इम्पॉसिबल इवेंट है, अगर इम्पॉसिबल इवेंट अभी बताया मैं तो इक्वल टू जीरो हो जाता, उसके बाद कुछ और वैल्यू आ रही जैसे वन बाई टू आया, जो भी आया इसको रिड्यूस करेंगे डेसिमल में लाएंगे, फाइनली क्या हो जाएगा दैट इज इन बिटवीन द जीरो एंड द वन, ओके लेकिन वन से ज्यादा नहीं होता, इसको अगर हम सॉल्व भी करेंगे वन से ज्यादा नहीं होता, इक्वल टू जीरो दैट इज इम्पॉसिबल, एंड मोर देन द जीरो इट्स आर द सम पॉसिबिलिटीज, ओके देन लेस देन वन। बेस्ट एग्जाम्पल जैसे हम टेस्ट में देखते, आपके एग्जाम के टेस्ट सपोज 40 मार्क्स का एग्जाम है, टेस्ट है, तो उसमें से आउट ऑफ वो 39 ले रहा, तो जो भी न्यूमरेटर आ रहा ना, सो दिस न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द टोटल नंबर ऑफ द इवेंट्स, ओके इससे कमी होता। अगर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शंस, दैट इज दिस वैल्यू इज लेस देन वन, अंडरस्टूड, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, या तो 40 बाय 40 भी आएगा, 40 40 कैंसिल वन हो जाएगा, इक्वल टू वन भी होगा या लेस देन वन ही होगा। सो यहां पे क्या आएगा, सो फर्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन ऐसे आ रहे ना हम, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और एक है यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन और इक्वल टू ये वाला, लेस देन और इक्वल टू वन, इस प्रकार से हमको करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव द इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। द फर्स्ट वन इज सेकंड फर्स्ट, सेकंड में फर्स्ट क्या है यहां पे, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, सो वेदर दिस वन इज द
इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब जो है हमको यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती या नहीं होती ये हमको पता करना है। सो व्हेन द कार स्टार्ट व्हाट शुड बी रिक्वायर्ड, दैट इज द ड्राइवर इज रिक्वायर्ड एंड द कंडीशन ऑफ द कार, सो इट इज नॉट गिवन हियर। सो इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स बिकॉज टू स्टार्ट ए कार कार ड्राइवर एंड कंडीशन ऑफ कार इज रिक्वायर्ड। मे बी स्टार्ट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, पर यहां पे ना ड्राइवर दिया ना कार का कंडीशन दिया ना कुछ नहीं दिया, सो ये नहीं होएगा। नेक्स्ट वन इज सेकंड वन, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, एक प्लेयर जो है बास्केटबॉल को शूट कर रहा, ही शी और ही शूट और मिसेज द शूट। अब ये बताओ यहां पे प्लेयर दिया बट कौन सा प्लेयर है यहां पे नहीं दिया, कोई भी हो सकता है, या फुटबॉल का है भी हो सकता है, या फिर जो क्रिकेट का भी हो सकता है, यहां पे क्लियर नहीं दिया। सो इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम बिकॉज बिकॉज प्लेयर डिटेल्स नॉट गिवन मे बी ए फुटबॉल, मे बी ए कौन सा प्लेयर है ये, मे बी ए बास्केट बॉल और एनी अदर गेम्स प्लेयर, कौन सा भी हो सकता है। तो यहां पे प्लेयर के बारे में नहीं दिया तो यहां पे क्या है इक्वली लाइकली नहीं आएगा। थर्ड वन इज ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू और फॉल्स द क्वेश्चंस, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, मतलब आंसर में जो है यहां पे दो ही ऑप्शन दिए, जब एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं इट मे बी ए ट्रू और इट मे बी ए फॉल्स। सो जब क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स अगर कंडीशन पे कर रहे हैं तो दोनों में से एक कंडीशन आएगा, है ना। सो दैट इज द इक्वली लाइकली। देन फोर्थ वन, फोर्थ वन ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल, यस कुछ भी हो सकता, दिस इज ऑल्सो ए इक्वली लाइकली। एग्जाम में ये नहीं पूछता लेकिन हमको अंडरस्टैंड होने के लिए यहां पे दिया। नाउ द थर्ड वन, वाई इज द टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी ए फेयर वे ऑफ द डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम्स। सो मतलब जो है जब गेम के लिए जो है टॉस करते, कंसिडर टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम, कौन सा टीम जो है गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम, मतलब स्टार्टिंग में जो है कौन सी टीम जो है बॉल लेती, दैट इज डिपेंड अपॉन द आउटकम्स, इट डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन द आउटकम्स चूजिंग बाय ए टीम, जो टीम जो है चॉइस कर रही तो उसके अनुसार जो है बॉल को चॉइस करते। सो ये हमको पता नहीं चलता कि भाई किस
किसने बॉल लिया, सो दिस इज इट इज अन प्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, ये हमको पता नहीं चलता. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. कौन सा है, यहां पे चार ऑप्शन दिया. फर्स्ट वन इज 2/3, सेकंड वन इज -1.5, थर्ड वन इज 15%, एंड नेक्स्ट वन इज डी वन इज 0.7. इसमें से कौन सा जो है प्रोबेबिलिटी के कंडीशन में नहीं आता, सो दैट इज द फोर्थ वन. ये क्या आएगा, -1.5. क्यों नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फॉर थ्रोइंग ए टॉस कॉइन, तो क्या आएगा 1/2 आएगा, ये आएगा फ्रैक्शन में आएगा. इसको अगर हम रिड्यूस करें 0.5 डेसिमल में भी आएगा. सपोज अगर हम इसको इसको जो है अगर हम परसेंटेज में करेंगे, सो इनटू 50 सो दैट इज 50/100, ये क्या आएगा 50%. तो परसेंट में भी आएगा, डेसिमल में भी आएगा, फ्रैक्शन में भी आएगा, पर नेगेटिव में नहीं आएगा. सो इट इज नॉट कम्स, सो दिस वे इट इज नॉट कम्स, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, -1.5. नेक्स्ट फिफ्थ वन इज, फिफ्थ वन क्या है यहां पे, फिफ्थ में यहां दिया पीई इज इक्वल टू 0.05, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0. अभी यहां पे मैंने किया ना डेसिमल में, इस प्रकार से दिया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई बोले तो इसके उल्टा वाला कॉम्प्लीमेंट. तो इसको सॉल्व करने के लिए वी नो दैट पीई प्लस पीई इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1. इसका वैल्यू हमको पता है 0.05 प्लस पीई बार और कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1. इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये पी ई बार इज इक्वल टू 1 - 0.05, सो दैट इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे डेसिमल में है, सो 1 and 0.05, ये ध्यान में रखना है, लाइक डेसिमल बनाना माइनस करना. सो दिस इज द 10, दिस इज द 9, दिस इज द 0, 5, 9.0, कितना आएगा 0.95. नॉट ई मीन्स बार आएगा, नॉट ई. नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 6. ए बैग कंटेन्स द लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली. एक बैग में जो है लेमन फ्लेवर के कैंडीज हैं. मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विथआउट लुकिंग इन टू द बैग. वॉट इज द प्रोबिलिटी दैट शी टेक्स आउट. द फर्स्ट वन इज शी टेक्स आउट. प्रोबिलिटी क्या है, सिक्स्थ फर्स्ट वन एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी. ऑरेंज है ही नहीं वहां पे, ऑरेंज है, ऑरेंज तो है ही नहीं, यहां पे लेमन है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन बैग does not have orange flavored candy. Orange flavor candy. अब है ही नहीं तो कहां से आएगा, आप बताइए. सो इसको कैसे करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें क्या है, कैंडी है। ए बैग कंटेन्स द लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली। मालिनी टेक आउट द वन कैंडी विथआउट लुकिंग इन टू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट शी टेक्स आउट। जब इसमें है ही नहीं तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, है ना। अब यहां पे कितना भी वैल्यू आ जाओ, ये क्या हो जाओ, फाइनली दैट इज जीरो, क्योंकि यहां पे जो है ये नहीं दिया, टोटल कितने कैंडी है नहीं दिया। तो इसके लिए जो है फाइनली व्हाट एवर बी द वैल्यू ऑफ दिस वन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सो डिनोमिनेटर इज, यू कैन राइट द सेम थिंग्स एंड जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर दैट इज आल्सो इक्वल टू जीरो। बट कैंडीज है कितने हमको पता नहीं है, इसलिए हमने ऐसे लिखा, दैट इज द जीरो। सेकेंड वन इज, सेकेंड यहां पे क्या है, इलेवन, इलेवन फ्लेवर्ड कैंडी कितने हैं पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम लेमन, लेट हम ऐसे लेंगे, लेट लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज एक्स, कितने हैं नंबर ऑफ, नंबर ऑफ डाल सकते हैं, नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज एक्स। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स एक एक से लेते जा रही है। फॉर एग्जाम्पल सपोज सिक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सो इट कम्स वट एवर मीन द टोटल नंबर ऑफ दैट, सारे के सारे ले रही, तो ये आएगा सेम थिंग्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्योंकि वो सारे ले रही, यहां पे कंडीशन नहीं दिया, सो इट मीन्स एक्स बाई एक्स दैट इज इक्वल टू वन। तो या नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है तो जीरो, अगर पॉसिबिलिटी है सो दैट इज द वन। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेवन, इट इज गिवन दैट द ग्रुप ऑफ थ्री स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू स्टूडेंट्स, तीन में से दो स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, मतलब दोनों स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम नहीं होने के चांस है 0.992 है ना। सो इट मीन्स दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेवन, सो नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट दे रहा ना यहां, इसके लिए हम क्या लेंगे, टू स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थ डे, नॉट आ रहा है यहां पे पी ई एंड बार, 0. कॉम्प्लीमेंट बोलते इसको 992, 992। सो हैविंग द टू स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, इसके लिए आएगा पीई, क्वेश्चन मार्क डाल देंगे हम, वही पूछ रहा है यहां पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे होने के चांसेस क्या है, दोनों है हमारे पास, वी नो दैट, वी नो दैट PE प्लस PE बार इज इक्वल टू वन, फर्स्ट मैंने बताया था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, नॉट का वैल्यू है यहां पे प्लस 0.992 इज इक्वल टू वन, इसका वैल्यू है यहां पे, नॉट मीन्स बार आ जाएगा, इसको इधर लाते हैं, PE इज इक्वल टू वन माइनस 0.992, सो PE इज इक्वल टू, माइनस करेंगे ऐसे, टेन हो जाएगा, टेन में से टू गए तो एट आएंगे, फिर नाइन माइनस जीरो 0.0, इतना आंसर आएगा। सो व्हाट इज दिस पी,
टू स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। ए बैग कंटेन्स द 3 रेड बॉल एंड द 5 ब्लैक बॉल्स, 3 और 5 टोटल 8 होते। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल थ्रोन इज रेड एंड सेकंड वन इज नॉट रेड। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। एक तो है रेड बॉल कितने हैं, रेड बॉल कितने 3 है, ब्लैक बॉल कितने हैं 5 है, रेड है, रेड बॉल्स है 3 एंड ब्लैक बॉल्स ये है 5। सो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज 3 + 5 = 8, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसमें से क्या चॉइस कर रहे, फर्स्ट वन इज द रेड, रेड। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, एक एक बैग उसमें से फेंक रहे तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल थ्रोन इज रेड, मतलब 3 है तो कितने चांस होंगे, 3 गिरने के 3 चांस होंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ रेड बॉल ड्रॉन सो दैट इज इक्वल टू, रेड के लिए है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल कितने हैं, रेड बॉल है 3, सो 3 टोटल बॉल कितने हैं 8, इस प्रकार से आएगा। सेकंड वन इज नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल बोल तो 12 आएगा, या फिर हम इसको सिंपली ये वे में भी कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, नॉट रेड बॉल्स, इसके लिए हम कर सकते P R + P R' = 1 = 1। तो इसको हमारे पास पता है दैट इज द पी आर मीन्स 3 / 8 + PR ( 1, दिस बार मीन्स नॉट। अब इसको इधर लाएंगे, PR ( 1 - 3/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई होता 8 - 3/8 एंड 8 - 3 = 5/8, क्योंकि 5 है ना, अदर देन द रेड बॉल इज ब्लैक बॉल दैट इज द 5 / 5/8। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, सेंटेंस में लिखे या इस कैलकुलेशन मेथड से भी कर सकते हैं, बोथ आर द राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। ए बॉक्स कंटेन्स द 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। सो क्वेश्चन नंबर 9, रेड मार्बल्स कितने हैं, 5 हैं एंड व्हाइट मार्बल्स 8 है, देन ग्रीन मार्बल्स 4 है। वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ
द बॉक्स एट रैंडम, मतलब एक एक से उसमें जो है मार्बल निकाल रहे हैं वहां से। टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 5, 8 एंड 4, दैट इज द 17, 17 हो रहा है ना, उसमें से एक एक निकाल रहे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल्स टेकन आउट विल बी, द फर्स्ट वन इज रेड, फर्स्ट वन क्या है रेड के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है। सो फर्स्ट इज द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, सो दैट इज 5 प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 17, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसमें फर्स्ट हमको क्या पूछ रहा है, रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल आउटकम्स विल बी रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ रेड मार्बल, सो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हम यहां पे क्या ले रहे हैं, हम रेड ले रहे हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट हम रेड ले रहे हैं, रेड कितने हैं, रेड 17 में से रेड है 5, टोटल कितना है 17, ये आएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट इसमें और पूछ रहा है सेकेंड वन, व्हाइट मार्बल, सेम थिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एल आई आना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल, सेम थिंग, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पे हम ले रहे व्हाइट, व्हाइट मार्बल्स, ये हो जाएगा पी व्हाइट मार्बल्स, व्हाइट कितने हैं, व्हाइट है 8, 8 डिवाइडेड बाय टोटल इज 17, इस प्रकार से आएगा। अब यहां पे बोल रहा नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन बोल रहा, सो थर्ड वन इज नॉट ग्रीन, ग्रीन के लिए क्या होता, ग्रीन हमारे पास 4 है, ओके सो ग्रीन अगर 4 है तो हमको क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई एल आई टी वाई ऑफ ग्रीन, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये आएगा 4 डिवाइडेड बाय 17, सेम इसी प्रकार से हमने जो किया ना ऐसे हीगा। अब ना तो इसके लिए क्या आएगा, हम क्या लेंगे, पी जी ग्रीन, ओके पी जी ग्रीन के लिए। अब ग्रीन नहीं होने के लिए क्या है, तो इसके लिए क्या करते हैं, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ऑफ नॉट ग्रीन ये हो जाएगा पी एंड जी एंड बार, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए वी नो दैट पी जी प्लस पी जी बार इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, पी जी कितना है, पी जी इज 4 डिवाइडेड बाय 17 प्लस पी जी बार इज इक्वल टू 1। अब उसको उधर राइट हैंड साइड में लाएंगे, सॉल्व हो जाएगा, सो पी जी बार
इज इक्वल टू 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 17, 17 इंटू 1 इज 17 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 17, अब माइनस किए तो कितना आएगा 13 डिवाइडेड बाय 17, सो पी जी बार, दिस बार मीन्स दिस मीन्स द कॉम्प्लीमेंट्स, इट मीन्स दैट इज नॉट अदर देन दिस वन, ग्रीन है ग्रीन का अदर क्या हो जाता, ये दोनों का सम हो जाता 13 डिवाइडेड बाय 17, इस प्रकार से हमको करना है। Thank you.